नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है नाग पंचमी, मंगलवार का दिन है और आज है नाग पंचमी। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आज के दिन आप कर लें, लाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम जो पितृदोष की वजह से आती है वो चली जाएगी। पितृदोष से आपकी लाइफ में है या नहीं ये मैं आपको बता दूं। यदि आपको स्वप्न में बार बार आपके पूर्वज दर्शन देते हैं या कोई भी मरे हुए व्यक्ति आपको बार बार दिखाई देते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं या किसी भी अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं, समझिए पितृदोष है। आपके घर में बच्चे शादी के योग्य हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही है, समझिए पितृदोष है। आप हमेशा बीमार रहते हैं और बीमारी पकड़ में नहीं आती, डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझिए पितृदोष है। आप अपने घर में देखते हैं कि जैसे हमेशा कलह होता है, अकारण सकारण। कलह होने का कोई कारण हो तो उसका निवारण हो सकता है, लेकिन कई बार अच्छे अच्छे बैठे हैं परिवार के सारे मेंबर्स, भोजन ले रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसी बात निकलती है कि बस झगड़ पड़े, और ये लगभग हर चौथे पांचवें दिन होता है, समझिए पितृदोष है। रिलेशनों में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कि रिलेशन टूटने तक की नौबत आ जाए, गलत जगह आपके रिलेशन होने शुरू हो जाए, नाजायज संबंध बनने शुरू हो जाए, समझिए पितृदोष है। दोस्तों, आज नाग पंचमी है, आज के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। सबसे पहले आप अपने घर के पनिहारे पर पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। जहां खेत हो, हरियाली हो, गीच हरियाली हो, ऐसी जगह पर जाकर एक दीपक जरूर जला करके आए और थोड़ा सा मीठा कच्चा दूध रख करके आए और अपनी चौखट पर आज के दिन एक दीपक पितरों के नाम का जरूर जलाए। पनिहारे पर और चौखट पर जो आप दीपक जलाते हैं वो अपने पितरों के नाम का जलाए। जो आप गीच हरियाली में जाकर के रखते हैं, कई गार्डन है, हरियाली है, वहां आप नाग देवता के नाम का एक दीपक जला करके जरूर आए। आज के दिन भगवत गीता के 9वें और 11वें अध्याय का पाठ करें। पाठ करते समय एक तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें काले तिल डालें और फिर आप पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद ये जल आप दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों को अर्पित करें और ये कहें कि ये जो मैंने पाठ किया है इसका पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आज के दिन जो चीजें आपके पितरों को पसंद हो उन चीजों का गरीबों में दान करें, ब्राह्मणों को दान दें। आज के दिन एक ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन जरूर करवाएं और उसे यथाशक्ति दान दें। दान में भी खास करके वो चीज जो आपके पितरों को पसंद हो। इसके सिवाय आज के दिन चप्पल का दान करें, छाते का दान करें, बेड का दान करें, बेडशीट का दान करें, कंबल का दान करें। ये करने से भी पितरों को शांति मिलती है। तो छोटे छोटे उपाय आज के दिन जरूर कर लें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे